यमुना पुत्र हूँ। मैंने आज यमुना जी का एक लीटर पानी यमुना जी के वहाँ खड़े होकर पिया है। यदि जिन लोगों ने यमुना जी का पूजन किया है वो आधा लीटर पानी पी के दिखा दे, मुझे जान दे दूंगा, जो होगा वो कर दूंगा। लेकिन जब तक उस घाट पर जो पूजा की है, जब तक अप्रैल नहीं होंगी तो हटूंगा नहीं। लोकसभा चुनावों की कवायद तेज हो गई है, सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश धनगर, हम उनसे जानना चाहेंगे आप जनता के बीच जाएंगे, क्या खास मुद्दे रहेंगे और किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है? मैं किसान, मैंने कहा अभी मैं किसान और मजदूर का बेटा हूँ जी। मैं कोई नेता नहीं हूँ, बड़ी बड़ी बात कर दू, बड़े बड़े वादे कर दू। आपने देखा है कि भाजपा ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जी। आपके चैनल के माध्यम से आप धौलीप्यागु क्षेत्र जाइए, तमाम क्षेत्र हैं, कितने गड्ढे हो रहे हैं। यहाँ से पिछले 10 साल से जो भी भाजपा प्रत्याशी हैं, आपने देखा राया में जब हमारे साथी जिंदा जल रहे थे जी, तो कौन सी पार्टी उनके बीच में गई, उनका दुख दर्द किसने जाना? हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष उनके बीच में गए, उनकी जो मदद हो सकती थी हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। मैं ब्रजवासी हूँ, ब्रजवासियों की मान सम्मान की लड़ाई किसी भी स्तर तक जाना पड़े, अपना वर्चस्व नौछावर करना पड़े, हर चीज बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। ये लड़ाई अब लड़ाई आर पार की होगी, लड़ाई प्रवासी और ब्रजवासी के बीच की होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि सांसद हेमा मालिनी ने भी यमुना पूजन किया और आपने भी किया है, और आपने स्थिति भी देखी होगी वहाँ की कैसी, हर बार मांग रहती है जनता की कि यमुना शुद्धिकरण हो, मगर आज तक शुद्धिकरण हो पाया? मैं यमुना पुत्र हूँ, मैंने आज यमुना जी का एक लीटर पानी यमुना जी के वहाँ खड़े होकर पिया है। यदि जिन लोगों ने यमुना जी का पूजन किया है वो आधा लीटर पानी पी के दिखा दे, मुझे सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची बात वही होगी वो यमुना जी के घाट पर जाके ब्रजवासियों के सामने जाकर सामने खड़े होकर पानी पिए। यमुना पुत्र ने पानी पिया, संकल्प लिया, यमुना मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र हूँ, जान दे दूंगा, जो होगा वो कर दूंगा। लेकिन जब तक उस घाट पर जो पूजा की है, जब तक अप्रैल नहीं होंगी तो हटूंगा नहीं। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता की? मैंने अभी जैसे मंकी सफारी का वादा किया था सांसद हेमा मालिनी, मंकी मंदिरों को लेकर जो भी ब्रजवासियों की लड़ाई होगी, छोटी से लेकर बड़ी तक, हर लड़ाई को लड़ूंगा। मैंने कहा मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, गरीबों की, किसानों की, छात्रों की, महिलाओं की, आम जनता की लड़ाई को लड़ना जानता हूँ। मैं पैराशूट व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने छात्र जीवन में बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, मैं जानता हूँ कि रास्ता कहाँ से निकलेगा, समाधान कहाँ से होगा। मुझे जिस स्तर पर भी जाना पड़ेगा, पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता और समाजवादी इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं, साथ मिलकर हम संघर्ष करेंगे और इन जो भैरूपी है, सांप्रदायिक ताकत है, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो आप किससे अपनी टक्कर मानते हैं? मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है जी। मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर के क्या? साफ स्वच्छा में खुद मैं एक ग्रेजुएट आपके सामने खड़ा हूँ। जिस तरीके से आपने देखा है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, ब्रजवासी एक बार मुझे आशीर्वाद दे दें। आपने देखा कि केजरीवाल जी ने कैसा दिल्ली में कहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया है। एक एक प्राइमरी स्कूल पर जाकर नहीं बैठ जाऊं तो नाम बदल देना, और ब्रजवासियों का जूता और मेरा सिर। जैसा कि जो प्रत्याशी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उनको लेकर के वो रहेगा। यमुना शुद्धिकरण की जब हमने बात कही तो उन्होंने कहा कि सबसे प्राथमिकता में मेरा यमुना शुद्धिकरण रहेगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।